लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह पेशी के लिए कोर्ट पहुंच चुके हैं। बेउजेल में सजा काट रहे अनंत सिंह की पेशी पटना सिविल कोर्ट स्थित MP MLA कोर्ट में हो रही है। AK-47 बरामदगी मामले में अनंत सिंह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। पुलिस ने इस मामले में उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ भी किया था और अब MP MLA कोर्ट में उनकी पेशी हो रही है। आपको बता दें कि शुक्रवार को बाढ़ कोर्ट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें लाया गया। उसके बाद अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में उनकी पेशी की गई। विधायक ने कोर्ट रिकॉर्ड में अपना दस्तखत और तारीख अंकित किया। इसके बाद करीब 20 मिनट इजलास में ही बेंच पर बैठकर उन्होंने अदालती प्रक्रिया पूरी की। फिर वह बेउजेल बंदी वाहन से वापस लौट गए। उनकी अगली पेशी 21 सितंबर को होगी। इस दौरान ऑडियो वायरल मामले में भी प्रोडक्शन कराकर रिमांड पर पुलिस द्वारा लेकर तफ्तीश किए जाने की संभावना है। मालूम हो कि 16 अगस्त को नदमा गांव में विधायक के पैतृक घर से AK-47 तथा 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया था। इसमें विधायक के घर का केयरटेकर सुनील राम भी न्यायिक हिरासत के तहत फिलहाल जेल में है। विधायक पर UAPA विस्फोटक अधिनियम तथा साजिश की विभिन्न धाराओं के तहत केस बाढ़ थाने में थाना अध्यक्ष के बयान पर दर्ज किया गया था। इसकी विवेचना पदाधिकारी सहायक पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह है। मामले में हथियार की एक्सपर्ट जांच रिपोर्ट के साथ अन्य सबूत और गवाहों का बयान केस डायरी में दर्ज किया जा रहा है। तफ्तीश अंतिम चरण में पहुंच चुका है। आरोप पत्र पर भी शीघ्र ही कोर्ट में दायर किए जाने की प्रक्रिया भी चल रही है। वहीं पंडारक के ऑडियो वायरल मामले में FSL रिपोर्ट आने के बाद विधायक अनंत सिंह को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की भी तैयारी में लगी हुई है। भोला सिंह समेत 2 लोगों की हत्या की साजिश रचने के मुकदमे में जेल में बंद 6 आरोपितों के विरुद्ध पंडारक पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया है। इसमें विधायक अनंत सिंह तथा एक अन्य फरार आरोपित विकास के विरुद्ध जांच चल रही है। ज्ञात हो कि भोला सिंह से 2 करोड़ रुपए के लेनदेन को लेकर अनंत सिंह की अदावत होने का भी सबूत पुलिस को जांच के दौरान मिली है। पुलिस रिमांड के दौरान विधायक के 2 समर्थकों ने AK-47 हथियार से पंडारक में गए शूटरों की सुरक्षा को लेकर इस्तेमाल किए जाने की बात स्वीकार की थी। पुलिस ने इस बयान को भी कोर्ट में दाखिल कर दिया है। बहरहाल पुलिस दोनों मामले में तेजी से जांच प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुट गई है। उधर अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी बिहार के राज्यपाल फागू चौहान से गुहार मिलने के लिए समय मांगा है। इस बात उन्होंने गुरुवार को राज्यपाल फागू चौहान को आवेदन दिया है। हालांकि उन्हें अभी राजभवन की ओर से समय नहीं दिया गया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि राजभवन जल्द ही उन्हें मिलने का समय देगा। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।